सीएम कमलनाथ के करीबियों पर आयकर विभाग के छापे का जिक्र करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे 6 महीने से बोल रहे थे कि चौकीदार चोर है, लेकिन बक्सों में भरकर नोट कहां से निकले, देखिए एमपी न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। प्रदेश में आयकर छापों को लेकर भाजपा जबरदस्त हमलावर हो रही है। भाजपा ने अब इसे राष्ट्रीय मुद्दा बना लिया है। दरअसल महाराष्ट्र के लातूर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में सीएम कमलनाथ के नजदीकियों के घर दफ्तर पर मारे गए आयकर विभाग के छापों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आपने देखा होगा कल परसों कांग्रेस के दरबारियों के घर से बक्सों में नोट निकले हैं। नोट से वोट खरीदने का यह पाप इनकी राजनीतिक संस्कृति रही है। यह पिछले 6 महीने से बोल रहे हैं चौकीदार चोर है, लेकिन नोट कहां से निकले, असली चोर कौन है? अरे कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। आपने देखा होगा कल परसों कैसे कांग्रेस के करीबियों के, कांग्रेस के दरबारियों के घर से बक्सों में नोटे निकली है। नोटे देखा कि नहीं देखा? टीवी पे देखा कि नहीं देखा? नोट से वोट खरीदने का ये पाप इनकी राजनीतिक संस्कृति रही है। अब बताइए भैया, वो पिछले 6 महीने से बोल रहे हैं चौकीदार चोर है, बोल रहे कि नहीं बोल रहे? लेकिन नोटे कहां से निकलती है? नोटों के बंडल कहां से निकल रहे हैं? असली चोर कौन है? चौकीदार का भय किसको है? चौकीदार का भय किसको है? चौकीदार से कौन कांप रहा है? इतने नोटों के बंडल निकल रहे हैं तो चौकीदार को गाली नहीं देंगे तो क्या देंगे? तो वहीं सूबे के सीएम कमलनाथ ने इसे महज राजनीतिक दृष्टि से दबाव डालने के लिहाज से की गई कार्रवाई बताया, जिसमें कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। राजनीतिक दृष्टि से जो दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें कोई सफल होने वाला नहीं है। कुल मिलाकर यह चर्चित आयकर छापा अब राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, जहां एक और भाजपा चुनावी रैलियों में जमकर कांग्रेस पर हमला बोल रही है, तो वहीं कांग्रेस से द्वेषतापूर्ण करवाई गई कार्रवाई करार दे रही है। बहरहाल यह तो जनता ही तय करेगी कौन सही है और कौन गलत। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, लातूर।